नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस उन खबरों पर होता है जो दिन भर की सुर्खियां रहती हैं। ऐसी कुछ खबरों का पिटारा लेकर हम आए हैं खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव करीब हैं और बीजेपी का पुराना मुद्दा परवान चढ़ रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी आगे जा नहीं सकती। माना जाता है कि बीजेपी का बेस वोटर हमेशा ही हिंदुत्व की तरफ रहता है और समय समय पर बीजेपी उसको जगाने का काम करती रही है। अब अपना वोट बैंक सहेजने के लिए बीजेपी ने हिंदुत्व और लव जिहाद पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी चाहती है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो और गेंद एक बार फिर बीजेपी के पाले में हो। लव जिहाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए सरकार के गृह विभाग ने न्याय विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। बीते दिनों सीएम योगी कश्मीर में गुपकार समझौते को लेकर कांग्रेस को घेर चुके हैं। माना जा रहा है जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा विकास के मुद्दे गायब हो जाएंगे। बीजेपी का यही मुद्दा रहने वाला है, हिंदुत्व, लव जिहाद और राष्ट्रवाद। चलते हैं, हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है योगी सरकार, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो रुख सामने आ रहा है, हिंदुत्व, लव जिहाद और राष्ट्रवाद पर ही जो है अब वो फोकस रहने वाली है। साल भर बचा है तकरीबन विधानसभा चुनाव होने के लिए और अभी से ही उसकी पृष्ठभूमि एक तरह से तैयार करती दिखाई दे रही है बीजेपी में। हिंदुत्व, लव जिहाद और राष्ट्रवाद, अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्षक नेतृत्व लगातार इस ही मुद्दे पर काम कर रहा है, आप अगर ये देखें कि जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस का बयान आया था, उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। आज कमोबेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उसी मुद्दे पर आज उन्होंने प्रेस वार्ता की है और कांग्रेस, खासतौर पर सोनिया गांधी और अन्य नेताओं की कड़ी आलोचना की। उसके साथ साथ पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनको सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि आप हिंदुत्व का जो मुद्दा है उस लकीर पर, जो लव जिहाद है और उसके साथ साथ जो राष्ट्रवाद है जिसकी चर्चा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, उसी लकीर पर चलने की राह अपनी आप आसान करिए। और जिस तरह से लगातार भाजपा शासित मुख्यमंत्री उसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जो विकास के मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, जो अन्य मुद्दे हैं, वो धीरे धीरे पीछे होते चले जाएंगे। अब कमोवेश उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, एक साल एक महीना का समय कुल आचार संहिता में बचा हुआ है जी। सरकार 8 महीने से लगातार कोरोना से जंग लड़ रही है, अब स्थिति चुनाव की बन रही है। सरकार के पास करने के लिए सिर्फ एक साल है, एक साल में वो कितना करके जनता को संतुष्ट कर सकती है जी। बंगाल में चुनाव होने हैं, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षक नेतृत्व है, सीधे तौर पर उन्होंने ये इशारा कर रखा है कि हमारा जो बेस वोटर है और उसके साथ साथ जो हमारे खासतौर पर जो मतों से जो लोग झुकाव पैदा हो रहा है जिनका, उनको सहेजने की कोशिश करिए। यानी कि बेस वोटर के साथ साथ जो नए मतदाता हैं, नए लोग हैं, उनको आकर्षित करिए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को खासतौर पे बताने का काम करिए जी। जिले स्तर पर भी इसी तरह से अविनाश निर्देश दिए गए हैं जी। बीजेपी का कमोवेश जो मुद्दा अब ये रह जाएगा, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तकरीबन एक महीने से, तो निश्चित रूप से यही लव जिहाद, इस पर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है।
पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है और हिंदुत्व तो इनका बहुत पुराना मुद्दा रहा है और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद तो इन्होंने कभी नहीं छोड़ा है, उसी लकीर पर ये लगातार चल रहे हैं और जनता को भी कमोबेश यही कुछ मिलने वाला है। भट्ट साहब, लेकिन एक बात और भी है कि यदि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इन तीन मुद्दों को लेकर जाने का इरादा रखती है या कोशिश में है, और होता तो ये है कि विधानसभा जब चुनाव हो तो 5 साल की उपलब्धियां लेकर सरकार जाए कि हमने 5 साल में प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ किया, लेकिन यदि ये एजेंडा भारी पड़ता है विकास पर या उपलब्धियों पर, तो विपक्षियों को भी एक मौका मिल जाता है सरकार को घेरने के लिए, तो अपने आप एक मुद्दा विपक्षियों को भी मिल जाएगा और वो भी जो है पलटवार कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर या राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर, लव जिहाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी मैदान में उतरेगी, तो उसकी मुखालफत जो अभी से ही कहीं ना कहीं हो रही है विपक्षियों द्वारा, तो उनको भी एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाएगा और विकास की बातें फिर एक तरह से नेपथ्य में चली जाएंगी। क्या कहेंगे आरसी भट्ट साहब? अविनाश, जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक हैं और जिस तरह से जो उनकी कोर कमेटी है वो बहुत ही फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही है और इसमें जो विपक्ष है वो पिंजरे में बंद एक है जो फड़फड़ा रहा है, वो वहां से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है, देश की बहुसंख्यक आबादी है हिंदुत्व हिंदू, और निश्चित रूप से वो विपक्ष का भी वोटर है जी। उसके साथ साथ लव जिहाद वो भी एक ऐसा मुद्दा है देश का जिसमें जरा सा भी अगर हम तीली डालते हैं तो वो बहुत बड़े बारूद के ढेर का काम करेगी। तीसरा तो राष्ट्रवाद जो सभी लोग जिसको मानते हैं, बिल्कुल, अगर हम 138 करोड़ देश की आबादी में किसी से पूछें तो निश्चित रूप से वो अपने राष्ट्र की अपने देश की बात करेगा और देशभक्त जरूर होगा। इसमें सीधे तौर पर अब ये तीनों मुद्दे बीजेपी आगे कर रही है, विपक्ष अब उस बंद पिंजरे की तरह है जिसमें वो बंद हो गया है और फड़फड़ा रहा है क्योंकि वो उसके खिलाफ अब पलटवार करें तो इस मुद्दे पर पलटवार करें अब जी निश्चित रूप से अविनाश, अब उनके पास अगर पलटवार करने का कुछ मुद्दा रहेगा तो निश्चित रूप से जनता उनके खिलाफ होगी, राष्ट्रवाद के खिलाफ वो कुछ कह नहीं सकते, हिंदुत्व के खिलाफ वो कुछ कह नहीं सकते, बच गया लव जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ भी नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि वो बारूद का ढेर है और निश्चित रूप से जैसे ही माचिस की तीली लगेगी वो बड़ा विस्फोट कर जाएगी और उसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के ये नेता अच्छी तरह जानते हैं, उनके थिंक टैंक अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो तीनों मुद्दे आगे बढ़ाए जा रहे हैं इसका विपक्ष मुखर होकर कभी विरोध नहीं कर सकता। चलिए देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ रंग लाती है उत्तर प्रदेश की राजनीति, और एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने पत्ते ओपन कर दिए हैं, अब विपक्षी किस तरह से पलटवार करते हैं, किस तरह से वो कोई तुरुप का इक्का लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2022 की पहली तिमाही में संभवतः हो जाएंगे उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं, 1 साल का वक्त बचा है, क्या कुछ वहां की राजनीति रंग लाती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। रुक करते हैं।